बारे में। अगला हम बात करें ब्रिजेस के बारे में। अब इस चीज को आप समझ लें, रियल लाइफ में आप लोग जब ट्रेवल करते हो तो ब्रिज आपने देखा होगा, बहुत सारे ब्रिज आप देखते हो, ठीक है। हर ब्रिज का काम क्या होता है, दो ऐसे लैंडस्केप को जोड़ना जो बीच से किसी कारण से कट गए, जैसे बीच से नदियां जाती है, दो लैंड अलग हो गए, बीच में ब्रिज डाल दिया हमने, कट हो गया, ठीक है। रोड्स में भी ऐसा ही होता है, बीच में बहुत बड़ी खाई है, एक ब्रिज डाल दिया, दोनों तरफ के लैंड जोड़ दिया हमने और उसके ऊपर से रोड चढ़ा दिया। नेटवर्क में भी आपको ध्यान रखना, ब्रिजेस का प्रयोग यही होता है, दो सिमिलर नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ब्रिजेस क्या करता है, जो सिमिलर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। अब सिमिलर नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या है, सिमिलर नेटवर्क का मतलब यहाँ पे होता है, सही बोला, आपका टोपोलॉजी सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात। यानी अगर यहाँ स्टार है तो यहाँ भी स्टार हो, अगर यहाँ बस है तो यहाँ भी बस हो। दूसरा क्या होना चाहिए, ओएस भी आपका सेम होना चाहिए। अगर यहाँ विंडो चल रहा है तो इधर भी विंडो चले, अगर लाइनिंग से इधर चला रहे हो तो इधर भी लाइनिंग से चलना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ब्रिज उसी के बीच में होता जो एकदम सेम हो। और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी आपकी जो रहती है, टेक्नोलॉजी यानी वायर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइस की बात कर रहे हैं, सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों में, आपको ध्यान रखना, तभी वो ब्रिज काम करेगा। क्योंकि ये ब्रिज का नियम आपने भी देखा है कि जो ब्रिज बनाया जाता है तो जो समतल जमीनों में बनाया जाता है, कचपुरा का ब्रिज, ठीक है, वहां का ले सकता है। हाँ, अब ये आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रिजेस का प्रयोग मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि दो नेटवर्क आपस में जोड़ सकते हैं, दो से ज्यादा आप नहीं जोड़ पाएंगे ब्रिज में, आपको ध्यान रखना। और दोनों नेटवर्क में ज्यादा नोड नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 10 कंप्यूटर था, 10 कंप्यूटर था, ब्रिज डाल तो चल जाएगा, अगर 50-50 के कंप्यूटर है ना तो ब्रिज दिक्कत कर जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऑफिस में, अगर जैसे आप किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करें जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए, तो डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर डिपार्टमेंट दो है तो ब्रिज आप लगा देंगे, दो से ज्यादा डिपार्टमेंट है तो आप क्या करें, एंटरप्राइज स्विच से एक बड़ा बड़ा की टोपोलॉजी बना रखें, एंटरप्राइज स्विच को की टोपोलॉजी आप बना के रखो। लगे आप मैं ब्रिज के साथ आपको गेटवेज भी बता देता हूँ, ठीक है। लगे आप मैं यहाँ पे आपको गेटवेज भी बता दे रहा हूँ कि गेटवेज क्या होते हैं, हाँ सर, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में अगर हमें कनेक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं, गेटवे का यूज करते हैं, बहुत ध्यान से सुनी गई है। गेटवे का काम क्या होता है, ये डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में क्या करता है, कनेक्शन को जोड़ता है। डिसिमिलर नेटवर्क यानी टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस हो जाए, सिमिलर, अब ये डिसिमिलर है, अब टोपोलॉजी, हाँ, ब्रिज का ऑपोजिट है, डिसिमिलर नेटवर्क यानी टोपोलॉजी अलग हो गया। और उससे भी ज्यादा अलग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अलग अलग ओएस के बीच क्या हो रहा है, सारे वर्क चल रहा है। आप एंड्रॉइड से आप नेट चलाते हो, मोबाइल से सर्वर लाइनिंग में रखे हुए, तो अलग अलग हो गए ना टेक्नोलॉजी, लाइनिंग अलग चलता है, एंड्रॉइड अलग चलता है, पर दोनों के बीच में कौन है, गेटवे। ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच में कम्युनिकेशन करने में मास्टर है। और आपको मैं इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पेटीएम चलाते हो, आप फोन पे चलाते हो, ध्यान रखना उसमें भी एक वर्ड यूज होता है गेटवे वर्ड, ये पेमेंट गेटवे से, हाँ सर, कहते हैं ना, हाँ हाँ गेटवे रहता है, तो पेटीएम और फोन पे में गेटवे वर्ड यूज होता है, कहते हैं कि ये पेमेंट गेटवे से इसको कहा जाता है। तो इनको पेमेंट गेटवे आप कैसे कह रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या कर रहा है, अलग अलग नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन कर रहा है। आप एंड्रॉइड से पेमेंट कर रहे हो, सर्वर लाइनेक्स में रखे हुए है, हो रहा है पेमेंट की नहीं हो रहा, और जा रहा है हो सकता है विंडो के मोबाइल में, तीन अलग डिफरेंशिएट है। आपने यहाँ पे एंड्रॉइड से पेमेंट किया, ठीक है, पहले वो जाएगा सर्वर में, सर्वर लाइनेक्स में है, भाई लाइनेक्स से जिसके मोबाइल में पेमेंट गया उसका विंडो का मोबाइल मार्ग निकल गया, तो तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म के बीच में चला कि नहीं चला, गेट पे चल गया, इसको ओएस से कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। आप टोपोलॉजी अलग अलग हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है वो स्टार टोपोलॉजी से काम कर रहे हो, सामने वाला बस टोपोलॉजी में है, तो भी कोई दिक्कत होगी गेट पे को, गेटवे को दिक्कत नहीं होगा। गेटवे ध्यान रखना, मल्टीपल नेटवर्क को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते, ठीक है। कितने नेटवर्क आपको जोड़ने, जितने नेटवर्क को जोड़ने गेटवे सबको क्या कर सकते, आपस में जोड़ सकते हैं। ब्रिज ने कहा था दो हम जोड़ेंगे, वो भी सिमिलर टाइप, गेटवे कहता है डिसिमिलर में हम कितने नेटवर्क को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे एडवांस मशीन जो है वो गेटवे से, ठीक है, सबसे एडवांस मशीन। कोई सवाल है, कंप्यूटर के लिए मैं पूरी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मतलब आपके कंप्यूटर।
की बात करो, हाँ गेटवे कितनों को भी निकाल देगा, गेटवे से कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी जाने अपना बड़ी संस्थाएं जो बड़े बड़े सर्वर्स चल रहे हैं, बड़े बड़े सर्वर अपने साथ क्या करता है, गेटवे भी ये करता है, ठीक है। क्योंकि गेटवे से वो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। गेटवे के बाद यहाँ पे मैं लग गया, एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ, वो है राउटर, ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस हम लोग जो बात करें वो हम बात करें राउटर्स के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है कि राउटर्स से जो है ये ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस है जो करते क्या है, अलग अलग रूट पे डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। हम अपने निजी वर्ड में राउटर को ये भी कह सकते हैं कि राउटर हमारे जंक्शन की तरह होते हैं। जैसे हमारे इटारसी जंक्शन हो गया, कटनी जंक्शन हो गया, तो इटारसी कटनी जंक्शन क्या है, वो अलग अलग रूट से ट्रेन को ट्रांसमिट कर देते हैं। आप इटारसी आते हो फिर वहां से कोई और रूट ट्रेन निकल देती है, जिस रूट में आपको जाना है, नागपुर जाना है, भोपाल जाना है, जो भी रूट पकड़नी है, हर रूट इटारसी में और कटनी में अपना। अब यह आपको ध्यान रखना की राउटर्स जो है वो हमेशा राउटर टेबल के द्वारा होते हैं। एक टेबल बनाई जाती है राउटर टेबल में, जहां से सिग्नल्स को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, यानी सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। और इस टेबल को बहुत एक क्वालिफाइड इंजीनियर बनाता है राउटर टेबल, ठीक है। राउटर जो है वो डायरेक्टली ध्यान रखना सर्वर के साथ काम करता रहता है, ये डायरेक्टली सर्वर के साथ चलता राउटर, कोई भी अगर सर्वर चलता है उसके साथ लगा रहता राउटर। तो सिग्नल्स को कैसे सर्वरों के बीच में बांटना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास तीन सर्वर लगे हुए हैं, ये सर्वर वन है, ये सर्वर टू है, ये सर्वर थ्री है, और इन तीनों सिग्नल सर्वर में मुझे क्या करने, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने हैं। तो मैं डायरेक्ट सिग्नल सर्वर में नहीं लाऊंगा, वो सिग्नल पहले किस में आएगा, राउटर में आएगा। राउटर फिर देखेगा कि सर्वर में से फ्री कौन सा है, जिस जो सर्वर फ्री होगा उसको क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा उसको, ठीक है। और वो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। आपने इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट से, मैं जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वेबसाइट पे लिंक रहती है, सर्वर वन से कर लो, टू से कर लो, थ्री से कर लो, फोर से कर लो, ठीक है। तो वहां पर मैनुअली आपको बता जाता है जिससे करना आप कर सकते हो। अगर कोई सर्वर डिले चल रहा उससे से कर लो डाउनलोड, और कई वेबसाइट में एक ही लिंक रहती है, एक ही सर्वर से डाउनलोड करो, अगर कोई बिजी चल रहा है तो आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो राउटर यहाँ क्या करता है, मल्टीपल सर्वर के बीच में क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करते हुए चलता है, ये राउटर टेबल के हिसाब से ट्रांसमिशन चलता है। और इसके राउटर टेबल को कॉन्फिगर करने के लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, जिसको बना लीजिए आप।